हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे और हैप्पी हो। तो मैंने एक वीडियो पे बताया था कि मेरे घर पे ना इस टाइम पे काम चल रहा है, जिसके कारण मुझे ना वीडियो बाहर बनानी पड़ती है। तो 1 या 2 मंथ, उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसी बैकग्राउंड पे वीडियो आएंगी। तो आप ना बैकग्राउंड को इग्नोर मारो, वीडियो को फुल वॉच करो, और जहाँ पर ना समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करो। जितना हो सकता है मैं सभी कमेंट का आंसर ना बराबर देती हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर मास्क शेयर करूंगी जो डैमेज हेयर को सच में पूरी तरह से रिपेयर कर देता है, हेयर की जो ग्रोथ है उसे डबल प्रमोट करता है। और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस लेना है फ्लैक्स सीड। यह जो फ्लैक्स सीड है यह सच में डैमेज हेयर को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है और हेयर की जो ग्रोथ है उसे प्रमोट करता है, जिससे हेयर ना डबल बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। चलो अब बनाते हैं अच्छा सा DIY हेयर मास्क। तो इसके लिए लेना है 5 से 6 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड। आप चाहो तो अपने हेयर के अकॉर्डिंग 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो जेल है इसे मैं बना के फ्रिज पे स्टोर करके रख लेती हूँ, और जब भी मेरा मन होता है तो मैं अपने हेयर पर अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें ऐड करना है एक ग्लास पानी, 1 ग्लास से हल्का और ज़्यादा भी ऐड कर लेना। फ्लैक्स सीड ना हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफ़ेक्टिव है। यह हेयर की जो ग्रोथ है उसे सच में प्रमोट करता है। अगर आपके हेयर की जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है तो इसे लगाओगे ना तो हेयर की जो ग्रोथ है वो डबल होती है। हेयर फॉल को तो पूरी तरह से ख़त्म करता है और डैमेज हेयर को भी रिपेयर करता है। तो इसे पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। जब हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो इसे आप साइड पर रख दो। जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसे आप छान लो। कॉटन का कपड़ा ले ना, उससे आपको छानना है, क्योंकि छन्नी से ना अच्छे से इसका जो जेल है वो नहीं निकलेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया था कोकोनट ऑयल। आप चाहो तो कोई और भी हेयर ऑयल ऐड कर सकते हो, क्योंकि यह हेयर को स्मूथ और सिल्की बनाता है और हेयर की जो ग्रोथ है उसे तो प्रमोट ही करता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया था 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। आप चाहो तो घर वाला या मार्केट वाला दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर लिया था 1 टेबल स्पून रोजमरी हेयर ऑयल। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इससे हेयर की जो ग्रोथ है वो सच में होती है। फिर मैंने यहाँ पे लिया था 1 टेबल स्पून हनी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी हेयर पे अप्लाई करती हूँ DIY हेयर मास्क तो उसमें मैं हनी हमेशा ऐड करती हूँ। आप चाहो तो आप हनी को भी स्किप कर सकते हो। हनी से ना हेयर स्मूथ और सिल्की होते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। इस हेयर मास्क को आप फ्रिज में स्टोर करके 1 या 2 दिन के लिए रख भी सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे पूरे हेयर पर अच्छे से अप्लाई करना है, जैसे हेयर की लेंथ हो गई, स्कैल्प हो गया और जड़ हो गए। ये जो हेयर मास्क से सच में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और यूजफुल है, क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा जो मेरे बाल हैं वो गिरने और झड़ने लगे हैं। तो ये जो हेयर मास्क है इसे मैं बीच बीच में लगाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर करूँ। तो इसे एक बार आप भी ट्राई करिए, सच में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको इस DIY हेयर मास्क के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं सबका आंसर दूंगी सच्ची पे। तो इसे ना कम से कम 1 घंटे लगा के रखो, उसके बाद वॉश कर लो। और हाँ, अगर आप कोई भी हेयर मास्क लगाओ या फिर कोई सीरम या हेयर ऑयल लगाओ तो आपको हल्का हल्का हाथों से 5 मिनट के लिए मसाज करना चाहिए, क्योंकि इससे ना हेयर की जो ग्रोथ है सच में डबल होती है। इसे आप ना वीक में 1 या 2 बार लगा सकते हो। अगर हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो तो फिर इसे आपको डेली लगाना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मैं आंसर सभी का दूंगी और वो भी बराबर।